हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेलकम टू शिक्षा सो गाइस वी आर विद अनदर पार्ट फॉर एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट आई बी की जो तैयारी कर रहे हैं जो 2023 में पेपर देने जा रहे हो नबार्ड ग्रेड ए या कोई भी एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जाम है स्टेट बेस्ड एग्जाम है सब में आपको काम आने वाले हैं ये क्वेश्चन एंड अलॉन्ग विद क्वेश्चन टू थाउजेंड प्लस नॉन वीडियो एमसीक्यू कोर्स है एक जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है ये कोर्स सिर्फ तीन सौ रुपए में आपको मिलता है आफ्टर डिस्काउंट कोड और पहले आप इसको एज अ क्वेश्चन सॉल्व करते हो फिर आपको सोल्यूशन मिलते हैं तो आपकी टेस्ट के थ्रू चेकिंग भी हो जाती है कि आपकी एक रिवीजन हो जाएगी कि कितना आपको आता है कहां पर आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो और दूसरी तरफ आपका जो है विद द डिटेल सॉल्यूशन आपकी नॉलेज बेस भी इंक्रीज होता जाएगा तो ये एक मस्ट हैव कोर्स है एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए सो गो एंड एक्सप्लोर इट लेटेस स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या कहता है विच कंपनी रिसेंटली बिकेम इंडिया फर्स्ट फिशरीज स्टार्टअप टू रिसीव आई 27001 टू सेवन जीरो जीरो वन सर्टिफिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट ये 2023 में जो पेपर होगा नबार्ड ग्रेड ए का उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आने वाले दो तीन महीने चार महीने में जो एग्जाम होने हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है जैसे आईबीपीएस एफ ठीक है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं वो छह महीने बाद पूछता या चार महीने बाद पूछता है ना तो कौन सी कंपनी पहला फिशरी स्टार्टअप बना जिसको ये सर्टिफिकेशन मिला है आईएसओ का इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है उसमें जो फिशरीज के थ्रू फिशीज के थ्रू डिजीजेज या जो भी वो है उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाता है ठीक है ताकि बायो सिक्योरिटी रिस्क स्प्रेड ना करे तो कौन सी स्टार्टअप कंपनी है ये एंड प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहे हैं रिक्वेस्ट ये है कि क्वेश्चन देखने के बाद ऑप्शन देखने के बाद वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से आंसर करें एंड फिर आगे चलें द राइट आंसर इन दिस केस केसाइज विल बी ऑप्शन बी एक्वा कनेक्ट ठीक है फैक्चुअल क्वेश्चन है ज्यादा डिटेल में एक्वा कनेक्ट की की जाने की अपने को जरूरत नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ फटाफट से नवंबर 2022 में तमिलनाडु सरकार ने कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एज इट्स डैश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया ठीक है ये तमिलनाडु की कौन से नंबर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अगेन इंपॉर्टेंट फॉर आईबीपीएस आईबीपीएसओ और जो नबार्ड का डेवलपमेंट असिस्टेंट का पेपर होगा ठीक है नबार्ड वाले तक ये क्वेश्चन पुराना हो जाएगा नहीं पूछेगा वॉट विल बी द आंसर ये सेवनटींथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो तमिलनाडु के अंदर डिक्लेयर हुई है थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ फटाफट से विथ स्टेट रिसेंटली होस्टेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ टोकू एमोंग बर्ड काउंट ओके ये बेसिकली टोकू एमोंग एक नौ दिन का पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है तो वहां पर यह बर्ड काउंट जो है ऑर्गेनाइज किया गया था उस एरिया के अंदर तो ये कौन सी स्टेट के अंदर बेसिकली एक पोस्ट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है एमोंग एंड अगेन वर्क करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि चार जितने भी ऑप्शन है सारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं ठीक है अगर एक नॉर्थ ईस्ट की और बाकी की आपकी छत्तीसगढ़ कर्नाटका टाइप हो तो फिर भी बच्चा गेस कर लेता है है ना तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नागालैंड नागालैंड के अंदर ये एक पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है और पहली बार इस फेस्टिवल के टाइम पर एक बर्ड काउंट सेरेमनी भी जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी कौन सी स्टेट ने मिशन वसुंधरा बेसिकली इसका सेकंड फेज शुरू किया ये बेसिकली जो उस एरिया के इंडिजिनियस लोग हैं उस एरिया में रहने वाले जो हजारों सैकड़ों सालों से वहां पर रह रहे हैं उनको लैंड राइट्स ग्रांट करेगा ठीक है असम मध्य प्रदेश कर्नाटका आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश अब आप कहोगे सर ये एग्रीकल्चर के साथ कैसे रिलेटेड है लैंड राइट्स की जब बात आ जाती है ना तो कहीं ना कहीं हम उसको एग्रीकल्चर के साथ लिंक कर देते हैं है ना तो मिशन वसुंधरा का ये फेज टू बेटा कौन सी स्टेट के अंदर है असम के अंदर आपको ये भी याद रखना है इसके अंदर एक तो स्टेट का नाम याद रख लेना दूसरा ये याद रख लेना कि ये लैंड राइट्स प्रोवाइड करने की बात कर रहा है इंडिजिनियस लोगों को ठीक है अगर ये दो फैक्ट आपको याद है आपका ये क्वेश्चन नहीं रुकेगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है आपके तोमर साहब इन्होंने ना अभी एक ग्रीन फील्ड फार्म मशीनरी प्लांट इनोग्रेट किया था महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कंपनी है उसका जो फार्म इक्विपमेंट सेक्टर कंपनी है उन्होंने ये पहला ग्रीन फील्ड फार्म मशीनरी प्लांट था इसको इनोग्रेट किया था तो ये कहां पर इनोग्रेट हुआ है तो इसके अंदर याद रखने वाला क्या है कि एक तो नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है पहला है ठीक है ग्रीनफील्ड फार्म मशीनरी प्लांट महिंद्रा एंड महिंद्रा का है तो ये दो तीन चीजें याद रखनी है और इसको कहां पर इनोग्रेट किया गया था तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा द राइट आंसर ओवर हेयर इज ऑप्शन ए पीतमपुरा मध्य प्रदेश आज का जो ये लेक्चर जो आपका आ रहा है ना इसके अंदर ज्यादातर क्वेश्चन वो है जो आपको आईबीपीएस डेवलपमेंट असिस्टेंट और आने वाले तीन चार महीने के अंदर जो एग्जाम्स हैं उसके अंदर हेल्प करेगा बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए ये वाले क्वेश्चन नहीं है इंपॉर्टेंट तो नबार्ड वाले बच्चे तो ये सारे क्वेश्चन इग्नोर कर सकते हैं एलिफेंट डेथिट फ्रेमवर्क ऑडिट किया जाएगा तो कौन सी स्टेट ने यह पहला हिंदुस्तान का डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क इनग्रेट किया काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड द राइट आंसर हेयर विल बी गाइज ऑप्शन डी तमिलनाडु तमिलनाडु के अंदर ये जो है आपका अः डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क जो है इसको इनग्रेट किया गया है एंड तमिलनाडु एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क ये फर्स्ट ऑफ इट्स इनिशिएटिव है इसके अंदर बेसिकली सारा आ जाएगा कि क्या रीजंस की वजह से एलिफेंट डेथ हुई एंड ऑल थिंग्स नेक्स्ट क्वेश्चन इन नवंबर 2022 द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डिपार्टमेंट विद द तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड ने नवंबर 2022 में एक प्रोसेस शुरू किया उसमें वो क्या कह रहे हैं कि जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना इनको हम इंटीग्रेट कर देंगे किस डिपार्टमेंट के साथ किस डिपार्टमेंट के साथ या किस मिशन के साथ इनको इंटीग्रेट कर देंगे द राइट आंसर ओवर हेयर इज ऑप्शन डी पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बेसिकली पीएम गति शक्ति के अंदर सरकार क्या कह रही है कि कैसे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट प्रोवाइड किया जाए ताकि इकोनॉमी ग्रो कर सके तो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग क्या कह रहा है कि हम कोऑर्डिनेशन में चलेंगे इस पीएम गतिशक्ति प्रोग्राम के साथ ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ कौन सी स्टेट ने रिसेंटली बोला हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं बेसिकली पाइप वाटर जो है गंगा वाटर जो है घरों में प्रोवाइड किया जाएगा कौन सी स्टेट ने यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ऑप्शन ए उत्तराखंड बी गुजरात सी उत्तर प्रदेश डी बिहार एंड ई आंध्र प्रदेश व्हाट विल बी द राइट आंसर ओवर हियर गाइस इजी क्वेश्चन है अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है और सही जवाब यहां पर आपका हो गया है बिहार बिहार के अंदर ये आपका हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जाएगा और इसके लिए सरकार ने फोर फोर करोड़ रुपीज जो है वो सेट किए हैं क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज आर डिक्लेयर्ड एज फूड एनिमल फ्रॉम द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो रिसेंटली अभी किस जानवर को एफ एस एस ए आई ने एज फूड एनिमल डिक्लेयर किया है फूड एनिमल का क्या मतलब हो गया कि जो प्रोडक्ट्स हैं इस पर्टिकुलर एनिमल के चाहे वो मिल्क है या फिर वो मीट है ठीक है दैट हैज बीन सर्टिफाइड एज फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बेसिकली वो इसके अंदर बात होती है तो कौन सा एनिमल है जिसको अभी फूड एनिमल डिक्लेयर किया है एफ ने अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द राइट आंसर ओवर हेयर इज ऑप्शन डी हिमालयन याक हिमालयन याक बेसिकली ये एक तरह का ना इस एनिमल की पॉपुलेशन काफी लो है और एनिमल की पॉपुलेशन को बूस्ट देने के लिए ये काम किया गया क्योंकि जब आप इसको फूड एनिमल डिक्लेयर कर दोगे तो लोग बेसिकली इसकी ब्रीडिंग करवाना शुरू करेंगे ठीक है इसको एज अ लाइफ स्टॉक यूज करना शुरू करेंगे जो अल्टीमेटली हिमालयन याक की पॉपुलेशन को एक बूस्ट देगा सो right, so यही सब पॉइंट यहां पर है जो मैंने अभी आपको बताए हैं और लाइफ स्टॉक सेंसस दो हजार उन्नीस के हिसाब से देखो तो आप फिफ्टी एट थाउजेंड या दो हजार बारह के मुकाबले कम हो गए हैं तो हम पॉपुलेशन को यहां पर इंक्रीज करना चाहते हैं टेंथ क्वेश्चन के ऊपर आ जाए जो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा वर्ल्ड बैंक ने ना अभी एक रिपोर्ट निकाली थी जिसका नाम था क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट एन एजेंडा फॉर एक्शन इस रिपोर्ट में इन्होंने बोला कि अगर जो जो देश देश है सारे डेवलपिंग हैं इंडिया जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये अपने हर साल की जितनी इनकी जीडीपी है उसका 1.4 परसेंट यूज करते हैं एमिशन रिडक्शन के कामों के लिए वो पैसा एमिशन रिडक्शन के लिए लगाते हैं ठीक है थीके? तो 70 परसेंट तक सत्तर परसेंट तक आप एमिशन रिड्यूस कर सकते हो किस साल तक किस साल तक आप सत्तर परसेंट तक एमिशन रिड्यूस कर दोगे सीधी सी बात क्या बोली कि डेवलपिंग नेशन अगर अपनी जीडीपी का वन पॉइंट फोर परसेंट डेली क्लाइमेट चेंज के अंदर लगाते हैं तो कितना आ, किस साल तक आप सत्तर परसेंट एमिशन वो रिड्यूस करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे सो द राइट आंसर ओवर हेयर बी 2050 तो आपको दो तीन नंबर याद रखने हैं एक तो रखनेट याद रखना वो और दो हजार पचास याद रख लेना और 2050 याद रख लेना ये तीन नंबर याद रख लो इनमें से ही क्वेश्चन आएगा और आपके बारे नहीं आ रहे हैं फिर एंड विद दिस अगेन वी आर एट द एंड ऑफ द लेक्चर क्विक लेक्चर्स है बेटा ताकि आप क्विकली uh, जो है काम कर सको और फटाफट से इनको देख करके आगे बढ़ सको कोई भी डाउट होता है टेलीग्राम के ऊपर आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप नंबर पर गिवन है इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो आप मेल कर सकते हो कमेंट करके जरूर बताओ कैसा लगा अच्छा लगा लेक्चर अच्छा हो तो इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैनल ग्रो करेगा बच्चे पूछते हैं कि सर आप रेगुलर नहीं हो ठीक है या वीडियोज रेगुलरली आएंगे रेगुलरली भी आएंगे और क्वालिटी भी तभी बढ़ पाएगा जब आप इसको चैनल को ग्रो करवाने में हेल्प करोगे देखो कोई भी चीज बिना ग्रोथ के सस्टेन नहीं कर सकती ये एक हार्ड ट्रूथ है और ग्रो करने के लिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टेल देन टेक केयर एंड बाय